84 सिख कतलेआम दी 39 साल हो गए ने। हालांकि हुण तक इंसाफ तां नहीं मिलिया, लेकिन इस मौके जो बयान कई बार कांग्रेसी आगुआं दे सामने आंदे ने, वो विवाद खड़ा करदे ने। और हुण विवाद खड़ा कीता राजा वड़िंग ने, जिन्हां ने 84 सिख कतलेआम दे 39 साल पूरे होण मौके विवादित बयान दिंदा कहा कि सिख कतलेआम बारे कमलनाथ नूं क्लीन चिट दे के किरे ने पंजाब कांग्रेस प्रधान। मध्य प्रदेश में चोण सभा नूं संबोधन करदिआं राजा वड़िंग ने कमलनाथ का इत्थे बचा किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी कदे भी कमलनाथ नाल सिखां ते जुल्म बारे नहीं सुनिया। असी पंजाब दे रहण वाले सरदार, सानू नहीं पता कमलनाथ ने कीता कोई अत्याचार। ए राजा वड़िंग ने बयान दिता है जदों इत्थे चोण सभा दे विच संबोधन कर रहे सन। आप दे बुलारे मालविंदर कंग ने राजा वड़िंग दे बयान ते हुण सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि राजा वड़िंग दा बयान सिखां दे जख्मां ते लून छिड़कन वाला है। कंग दा कहना है कि सिख कतलेआम विच कमलनाथ दी भूमिका किसे तो लुकी नहीं है, तो अहम भूमिका कमलनाथ की रही है। जे विचकार उसके बारे इस तरह का बयान देना, इस लैके उन्होंने निशाना साध्या। सो दस दी कि राजा वड़िंग वालों जो पंजाब कांग्रेस प्रधान ने, उन्होंने वालों जो यह बयान दिता गया, उसने लगातार एक बार फिर तो विवाद छेड़ दिता है। दस दी कि 84 सिख कतलेआम के 39 साल पूरे हो चुके हैं। उस मौके राजा वड़िंग का यह विवादित बयान यकीनन एक बार फिर मामले को गरमाएगा। सिख कतलेआम बारे कमलनाथ को क्लीन चिट दे के पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग घिर गए। दस दी कि मध्य प्रदेश में चढ़ी क्योंकि चोणा होणियां ने, इस वेले चोण सभा नूं संबोधन करन राजा वड़िंग जदों पहुंचे ते अपने संबोधन विच और कमलनाथ दा बचा करदे नजर आए। इह कहिंदे नजर आए कि मैं अपनी जिंदगी च कदे भी कमलनाथ वल्लों सिखां दे जुल्म बारे नहीं सुनिया। असी पंजाब दे रहण वाले सरदार, सानू नहीं पता कमलनाथ ने कीता कोई अत्याचार। यह राजा वड़िंग वल्लों साफ किया गया। अजे विचकार इत्थे यह मामला भी हुण गरमांदा नजर आ रहा। प्रचार इस प्रदेश के अंदर चंद लोग सरदार बनकर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने सरदारों के ऊपर अत्याचार किया है। मेरी उम्र 44 साल की है, मैं कैबिनेट मंत्री भी रह चुका हूं। मैंने आज तक नहीं सुना और मैंने आज तक नहीं देखा और मैंने आज तक किसी प्रकार कोई ऐसी अन्याय करते हुए कमलनाथ जी को सरदारों पर नहीं देखा। इस प्रकार का कूट प्रचार किसी सरदार के करना, मैं समझता हूं उसको हमारा भगवान भी माफ नहीं करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी चोण प्रचार वेले बोलते राजा वड़िंग नजर आए ने। साडे नाल एसजीपीसी जनरल सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल जी जुड़ चुके ने, उन्होंने नाल गल करदे आं। गरेवाल जी की कहोगे तुसी, 39 साल बीत चुके ने 84 सिख कतलेआम नू, कांग्रेसी आगुआं नू जिहड़े कि उस वेले पाए गए शामिल, उन्होंने तो हुण तक कोई सज़ा मिली नहीं, सगो इस तरह का जो बयान कांग्रेसी आगू का, वह भी अपने पंजाब नाल संबंधित पंजाब कांग्रेस प्रधान देण, की कहोगे तुसी? देखो जी, गल ये है कि इन्हां दा इह हालात आ वी अखां ते पट्टी बन्नी है। सारी दुनिया ये गल जानती है कि कमलनाथ का, क्योंकि कैप उन्होंने राजीव गांधी के खासम खास सी ते यूथ के आगू सी उस समय से, ते मैं इन्हों याद तक ही दवानी है, क्योंकि याद दवाने की लोड़ नहीं, क्योंकि जदों ये इन्होंने झूठ बोलने का ही लक बनिया। तो कमलनाथ नूं पुछो जां कमलनाथ के साथियों नूं पुछो जां दिल्ली के अखबारों नूं चुको जां दिल्ली के लोगों नूं पुछो कि जदों इंदिरा गांधी का कतल हुंदा, उस तो बाद गुरद्वारा रकाबगंज साहब से गुरद्वारा बंगला साहब किने घेरिया सी, किहदी अगवाई सी जी? उत्थे सेवादार सी उन्हां नाल जिहड़ा जुल्म कीता सी, किहने कीता सी? इह तां गुरद्वारे नूं अग लाउण वाले बंदे ने। तो इह इहनां दा स्पष्टीकरण जिहड़ा वा, उह जिन्ना मर्जी देण ते दिंदे वी आ, ते इहनां नूं किसे ने नहीं सुणना। गल की आ वी जिहड़ा जुल्म आ जी, वो जुल्म जिहड़ा वा कदे वी छुपदा नहीं गा, ते कांग्रेस दा जिहड़ा उस समय दा जुल्म आ दिल्ली विच होया, उस नूं कोई मिटा नहीं सकदा जी। क्योंकि जिहड़ा वो खून डोलिया सिखां दा, वह खून कदे फिक्का नहीं पै सकदा, उहदा भुगतान तां अज भुगत रही आ कांग्रेस। जो अज हालात बने आ देश दे अंदर, एक भिखारी दी तरह जिहड़ा इहनां दा आगू आ जिहड़ा, वह कहिंदे भारत जिहड़ों यात्रा करदा फिर एक भिखारी बन के तुरिया फिरदा। तो इहनां दा कदे इहनां ने कहा राहुल गांधी इत्थे आया दरबार साहब, असीं एक यात्रू नूं जिस तरह का सत्कार दिंदे आ जां उहनूं थां दिंदे आ, उह दित्ता, पर की उहदे च हिम्मत सी इह भी जिहड़ा इह कतलेआम होया उह माड़ा होया जे मेरे बाप ने कीता जां मेरी दादी ने कीता? सो इहनां दा इहनां दी मनशा जिहड़ी आ कांग्रेस दी, मानसिकता जिहड़ी आ, उह मानसिकता जिहड़ी आ उही आ जिहड़ी बिल्कुल। और कितने कितने गरेवाल जी, ये जिथे मध्य प्रदेश बयान दिता है, एक क्योंकि हुण चोणां दा वेला है, ते सिर्फ इन्हां दे लई ये जिहड़ा मुद्दा है, या हुण कमलनाथ दा जो बचा कीता सिर्फ वोट बैंक लई करदे नजर आ रहे ने?
ਬਿਲਕੁਲ 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 ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਗ ਉਹ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿਸੰਦੇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਿਨੌਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲਨਾਥ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 39 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ, ਕੱਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, 1 ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਲਨਾਥ ਉਸ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਰੀ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਰ ਵਰ ਕਰਾਊਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸਰਜਿੰਗ 2 ਸਿੱਖਸ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀ ਬਰਨਡ ਅਲਾਈਵ, ਆਈ ਸਾ ਏ ਕਰਾਊਡ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸਰਜਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਿਸ ਕਰਾਊਡ ਵਾਜ ਕਮਲਨਾਥ, ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ, ਹੀ ਰੇਜ਼ਡ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟੋਪਡ,
you could see this two way, he stopped the crowd. My question is, what is the relationship between him and them that he had only to raise his hand and they stopped? One day ek kehnda ki main rokne waste gaya, rokne di koshish kar reha si. Fir oh sawal uthaunde hai patrakar Sanjay Suri ji, किस रिलेशन ना उन्होंने रोक पाए सी, भावे अज कवर करने की कोशिश कर रहे हो, कहते हैं ये झूठ बोलते हैं जी। हाँ जी, जे रोकण में गए सी की रिलेशन सी इन्हों का, यदा मतलब है कि उन्होंने सांसी की अपने आप ही मान रहे हैं कि राजा वड़िंग जी ने बेनती है, राजा जी तुम उदो अजे जम्मे ही सी। हाँ जी, उदो अजे पैदा ही हुए से, रड़ना ही सीखा सी तुसा, तुहानू नहीं पता उदो की कुछ वापरिया सीगा। जिहड़े कमलनाथ वर्गे जिहड़े राजीव गांधी दे ते इंदिरा गांधी दे चहेते सी, उन्होंने किवें दिल्ली दीयां गलियां दे विच सिखां दा जिहड़ा शिकार कीता सीगा। ते फिर रकाबगंज गुरद्वारा साहिब जिथे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दा अंतम संस्कार होया होवे, हाँ जी, ते गुरु तेग बहादुर ओह हुण जिन्हां ने हिंद धर्म की जिहड़ी है हिंदू धर्म की रक्षा की खातर अपना बलिदान दिता होवे, ते कमलनाथ जी तुसी उथे जाके हमला करना पै गए, उथे सिखां नूं साड़ता। इहदे दो ते सामने आ गए ना कमलनाथ दे, जिहड़े दो सिख मारे गए जिस क्राउड दी भीड़ कर रहे, भीड़ दी अगवाई कर रहे सी, पता नहीं किन्ने किन्ने दे कातल ने, किन्नियां किन्ना विधवा कीतियां ने, किन्ने किन्ना चंद चाड़े ने। माफी मंगनी चाहीदी है राजा वड़िंग नूं। और अज दे दिन बड़े माण दी गल है कि साडे कौम दे उहनां महान योधिआं ने इंदिरा गांधी ने उदे पाप की सजा दी सी। भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह की कुरबानी नू, उना दी देन नू, हाँ जी, उना दे जज्बे नू सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा भेंट करते हैं। तो इहो जी वी अज बैठे है सिखां दे घरे जन्म लैके। मैं कहना कोई भी होवे, सिख नाम ही होवे, जो 84 च वापरिया कतलेआम होया ते शरेआम रिपोर्टिंग होवे, लेकिन इस तरह दे नाल जदों अपने ही पंजाब दे आगू जिहड़े ओह जो हुण जिहड़ा है पग सजांदे ने अपने सिर ते, ओह सिखां दे बारे जो उन्हां ते इन्ना अत्याचार होया, इस तरह दे बयान देण तां साफ नजर आंदा है कि सिर्फ इस वेले वोट बैंक की राजनीति जिहड़ी हो रही है। 84 च जो कुछ होया भी तो वोट बैंक लई होया सी जी। सिखां नूं कोई गुनाह तां नहीं सी कीता जी, वी सिखां दा उस समय हुआ खड़ा कीता, तुसीं तेरा तां बहुत छोटे जे, तुहानूं नहीं इन्हां गल्लां दा पता। हाँ जी, कोई गुनाह नहीं सीगा, सिख स्टेटां वास्ते वध अधिकार मंगदे सी, अपने अधिकार मंगदे सीगे जी। हाँ जी, उहनूं इहो जी रंगत दित्ती श्री आनंदपुर साहिब दे मते नूं, बनाता जी इह खालिस्तान आ जी, इह वक्खरा देश चाहुंदे आ जी, इह ते अतवादी ने, ते वक्खवादी ने, खड़ा कद नहीं किया। केवल तो केवल देश के दे एक वोट बैंक लैंड की खातर तो जो 84 का हमला भी होया, उदा भी मकसद यही सीगा। हाँ जी, उदा भी मकसद यही सीगा कि सिखां नूं क्रश करके, पहलों जिहड़ा आया इन्हां नूं बदनाम करके, फिर क्रश करके वोटा लैने। तो अज भी जी जे राजा वड़िंग हो रही है, पता नहीं हुण हुण इन्हां लोकां दे मन की ने। हाँ जी, एडे मन काले ने कि तुसीं एक सिखां दे दोषी नूं, एक मनुखता दे दोषी नूं, एक मानवता दे दोषी नूं कि जिन्हें सिखां नूं को को के मारिया होवे, जिंदा साड़िया होवे, कि तू स्टेज ते चढ़ के उहनूं क्लीन चिट दे रहे। बिल्कुल, क्लीन चिटा देतियां, बचाता तेरी राजीव गांधी ने, बचाता ताडी सोनिया गांधी ने, बचाता, वो तो बचे फिरते ने, क्योंकि लंबा समा उस तो बाद राज जिहड़ा कांग्रेस ने कीता आ, नहीं कत्ती वार लगन दित्ती। बिल्कुल, पर राजा वड़िंग जी, तुहानूं इन्हां शब्दां की वरतों नहीं सी करनी चाहीदी। तुसीं अज कौम दे नाल त्रोह कमाया है, त्रोह कमाया है। एक बन्ने साडे शहीद ने, भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह, ते तुसीं जो शब्द वरते ने, अज कौम की हेठी कीती है, कौम के कातलां दे नाल खड़ोते जे तुसीं, जे अजे भी तुहाडी जमीर माड़ी मोटी सिखां वाली हैगी है, तां माफ़ी मंगो सिख कौम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बलटुआ जी साडे नाल गल करन दी। यकीनन इस वेले जो तिक्खी प्रतिक्रियावां सामने आ रही ने, जिस तरह नाल पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने यह बयान दिता, एक बार फिर अपने दर्शकों नूं सुनाने आ कि कुछ उन्होंने बयान दिता जिस नूं लैके ही एक बार फिर मामला गरमाया होया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं,
जो कूड़ प्रचार इस प्रदेश के अंदर चंद लोग सरदार बनकर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने सरदारों के ऊपर अत्याचार किया है। मेरी उम्र 46 साल की है, मैं कैबिनेट मंत्री भी रह चुका हूं, मैंने आज तक नहीं सुना और मैंने आज तक नहीं देखा और मैंने आज तक किसी प्रकार कोई ऐसी अन्याय करते हुए कमलनाथ जी को सरदारों पर नहीं देखा। इस प्रकार का कूड़ प्रचार किसी सरदार के करना, मैं समझता हूं उसको हमारा भगवान भी माफ नहीं करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आर्या ने और जय विचकार ए क्योंकि जो मध्य प्रदेश के दस दिए कि क्योंकि चोणा हूँ सिर ते ने इस वेले चोण प्रचार किया जा रहा है, सो उत्थे ही चोण सभा दे विच जिहड़ा है संबोधन कर रहे सन। साडे नाल इस वेले आत्मा सिंह लुबाणा जी जुड़ चुके हैं जो दिल्ली कमेटी के तमाम मसले जिहड़े ने वह चुकते हैं। आत्मा सिंह लुबाणा जी की कहोगे तुसी जो पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग का यह जो बयान सामने आया? देखो जी, अपना कमलनाथ के खिलाफ 1 तरीक दी पार्लियामेंट थाने च FIR दर्ज हैगी है जी। और इन्हां दा कांग्रेस दा राज सी, कांग्रेस दी सरकारां रहियां ने इन्हां नूं बचाउण वास्ते उन्होंने पूरा यतन कीता हैगा। और इन्हां दा ओ 1 तरीक दा जिहड़ा हैगा इंडियन एक्सप्रेस दा पेपर हैगा ओहदे विच रिवाल्वर लेके इहदी फोटो भी छपी हुई है अपने कमलनाथ दी। जो मर्जी है कहन, इसे तरह ही टाइटलर कहंदा सीगा कि मैं कोई मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हैगा और मैं मेनू झूठ बोलदे है ओहदे खिलाफ। तुहानू पता हैगा कि ओहदे खिलाफ चार्जशीट जदों हुण दाखिल होई 2023 दे विच 164 दे बयान दवाए गए और उस तो बाद ओहनू मुजरिम बनाया गया। बेशक ओह मतलब अपने सीनियर एडवोकेटां दे दम दे उते एंटी सपेटी बेल लेने च कामयाब हो गया होए, लेकिन CBI ने जेड़ा सी कमजोर वकील पेश कीता सी इस करके, लेकिन ए केस जेड़े ने CBI वर्सेज ने इस करके उन्होंने असी हुण होम मिनिस्टर नूं मिलके आए सीगे कि तुहाडे वल्लों जेड़ा पक्ष हैगा बड़ा कमजोर रख्या जांदा हैगा, इस करके उन्होंने फायदा हो रहा है। उन्होंने भी सानू भरोसा दवाया गया कि भई असी हुण बहुत सीनियर एडवोकेट असी इहदे वास्ते असी पेश करांगे और इहदे विच असी केस पाया होया मनजिंदर सिरसा वालों, हाई कोर्ट विच केस चल रहा है, बहुत जल्द ही इहदे खिलाफ इहदा केस दर्ज होके इहदे उत्ते कारवाई होएगी जी। कमलनाथ दे जी जी बहुत बहुत शुक्रिया लुबाणा जी सा गल करने लिए। आत्मा सिंह लुबाणा जिस तरह उन्होंने कहना है कि यह मामला उस वे जो 39 साल पहला किस नाल कमलनाथ की जो शमूलियत रही थी वो सबके सामने है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसके बारे खुद गवाहों ने जड़ा है गवाही दी है। लेकिन इतने किस तरह कांग्रेसी आगू वालों हूँ तक उसमें पुष्तनाही की गई है, अहदे दिए गए हैं, लगातार बचाया गया, यह भी लगातार आगू जड़ा है इल्जाम लगाते नजर आए हैं। लेकिन हूँ जड़ा एक बार फिर जख्मों से लून छिड़किया है पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग वालों जो बयान दिता गया और कितने ना कितने सिर्फ एक वोटां की राजनीति के चलद इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं तो वो जख्म जड़े ने एक बार फिर तो वल्ले हो जाते हैं। वो पीड़ित परिवार जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिन्हों के अपने घर के जी गवाए ने, जिन्हों की अखों के सामने किस तरह कहर उन्होंने देखा बरपता होया, लेकिन हुण तक ना इंसाफ मिलिया, जिसनों लैके तो हले भी टीस जी उठती है। लेकिन इस तरह के बयान जो आगू देंगे ने तो यकीन उन्होंने जख्मों होर भी हरा कर जाते हैं।